हाँ, तो आज हम लोग बात करते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। जनहित याचिका आखिर होती क्या है? जनहित याचिका का मतलब ये होता है कि जैसे आप मानिए कोई इंसान है, उसने न्यायालय में कोई मुकदमा हार गया, लेकिन चूँकि वो इंसान गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं, या वो किसी शोषित वर्ग से आता है, तो आखिर वो न्याय कैसे पाए? तो ऐसे में क्या होता है कि भारतीय संविधान में बहुत जल्द ही ये नया प्रयोग हुआ है कि ज़रूरी नहीं वो इंसान खुद ही न्यायालय जाए, उसके बदले कोई दूसरा भी व्यक्ति न्यायालय जा कर के उसके लिए न्याय की गुहार लगा सकता है। सपोज करिए कि जैसे कोई व्यक्ति है ए व्यक्ति को न्यायालय से सज़ा मिल गई, लेकिन वो दोषी नहीं है, फिर भी उसको न्याय दिलाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी अदालत में याचिका दायर कर सकता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकता है। तो ऐसी जो विधा है, इसी को जनहित याचिका कहते हैं। जनहित मतलब कि ज़रूरी नहीं हम अपना हित के लिए ही न्यायालय में याचिका दायर करें, हम दूसरों के हित के लिए, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए भी याचिका या लिटिगेशन, अंग्रेजी में कहते हैं लिटिगेशन, या मुकदमा शुरू कर सकते हैं, फिर से हम फिर से किसी केस को ओपन करा सकते हैं। हालांकि जनहित याचिका की इतिहास पर हम नज़र डालें तो ये अमेरिका से शुरू हुआ था, क्योंकि अमेरिका में कई सारे केसेस ऐसे आते थे जहाँ पर कुछ लोगों को अदालत से न्याय नहीं मिल पाया, तो वहाँ पर एक नया प्रयोग शुरू हुआ कि एक बार फैसला हो चुका है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति वकील की फ़ीस नहीं चुका पा रहा है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो महंगे महंगे वकील के लिए जो है पैसा दे पाए, तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति के बदले न्यायालय जाकर उसके लिए न्याय की गुहार लगा सकता था। मतलब जनहित या दूसरों के हित के लिए भी अदालत में जा सकता था। तो जनहित केवल किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए ही नहीं होता। जैसे सपोज करिए पर्यावरण का कोई विषय है, पर्यावरण से तो सबको बराबर की हानि होती है, जैसे पर्यावरण हमारा गंदा हो रहा है, हवा गंदी हो रही है, जल गंदा हो रहा है, तो इससे सबको समान रूप से हानि पहुँच रही है। जैसे गंगा का एग्जाम्पल ले लीजिए, गंगा खूब गंदी हो रही है, गंगा में कोई फैक्ट्री है जिससे ढेर सारा मल निकल कर गंगा में जा रहा है, तो अब इस फैक्ट्री के प्रति जो भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर कहेगा कि ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री बंद होगी तो इससे पूरे जन को लाभ होगा, सभी लोगों को लाभ होगा, तो जो व्यक्ति न्यायालय में गया वो याची कहलाया जाएगा, और उसने जनहित में एक याचिका न्यायालय में डाल दी, तो इसी को कहते हैं जनहित याचिका। ये व्यक्तिगत भी होती है और सामूहिक भी होती है। जैसे कोई रोड काफ़ी ख़राब बनी है, किसी कंस्ट्रक्टर ने, किसी जो है जिसने ठेकेदार ने रोड को ख़राब बना दिया, तो इसके प्रति कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, क्योंकि ये रोड तो जन की है, सभी लोगों की है, सामूहिक संपत्ति है रोड, तो सामूहिक संपत्ति या सामूहिक कल्याण की भावना से भी हम कोर्ट में जा कर के अपील कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, इसी को जनहित याचिका कहते हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी 1960 के दशक में, और ये अमेरिका से ही भारत में लिया गया है। इसका उद्देश्य है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। मतलब एक बार किसी को न्याय नहीं मिल पाया है तो दोबारा भी उसके जगह पर, मान लीजिए कोई गरीब वंचित है जिसके पास पैसा नहीं है, तो उसके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए जो है न्याय की गुहार लगा सकता है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, क्योंकि हमारे समाज में कई तबके के लोग रहते हैं, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, और जनहित की समस्याओं को उजागर करना, जैसे पर्यावरण संबंधित है या कि कोई हेल्थ इशू है किसी की, स्वास्थ्य संबंधित देश में समस्याएं चलती हैं, किसानों की समस्याएं हैं, नदियों की समस्याएं हैं ना, तो इसमें जो हैं बाढ़ की समस्याएं हैं, तो सामूहिक एवं संवेदनशील मुद्दों पर जनता को न्याय दिलाना, अब इसी को कहते हैं जनहित याचिका। ये नया प्रयोग हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनुमति दी है, तो आजकल ढेर सारी जनहित याचिकाएँ डाली जाती हैं। आपको पता होगा कि जिन लोगों ने जॉली एलएलबी मूवी देखी है, जॉली एलएलबी में केस दोबारा से खोला जाता है, अक्षय कुमार की या जॉली एलएलबी टू या फर्स्ट प्रथम जो है, जिनने भी ये मूवी देखी उनको ये कॉन्सेप्ट पूरा पता होगा कि जनहित याचिका क्या होती है। वो केस फिर से खोला जाता है उसको न्याय दिलाने के लिए, तो उसी पर जो है अक्षय कुमार फिर से न्याय के लिए गुहार लगाता है, या इससे पहले जो कुरैसी की जो पार्ट फर्स्ट बनी थी जॉली एलएलबी, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, एक गरीब आदमी को न्याय दिलाने के लिए कैसे फिर से केस को ओपन किया जाता है अदालत में।
तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है जनहित याचिका का। मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जनरली जो गरीब वर्ग हैं या सामूहिक जो मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर जो है न्याय की गुहार लगाने के लिए हम अदालत तक जा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यह लोकतंत्र को सशक्त व सफल बनाता है।